भी वो बचे हैं सामने से उनके पास टीपीएस का प्रहार जरूर होगा, बट एक नेड आएगा वो भी डाउन, उनके साथी भी डाउन। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या होगा। ये नेड बहुत कुछ बता कर गया, बट जोनाथन इज देयर, ही टेक्स वन डाउन, ही टेक्स टू डाउन। के लिए टीम ग्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, दो प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, रश आएगा निंजा जोड़। हेलो गाइस, ये क्लिप है BGIS के और इस मैच में गॉड्स रेन, गॉड लाइक, CS ई-स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी टीम है। और गाइस जो इसमें CS ई-स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल। लोग वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टीम गॉड लाइक, देखना ये है कि क्या वो फाइट लेने के इच्छुक है, बट वहां पे एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, ग्रेनेड से एक खिलाड़ी डाउन हुआ और दूसरे की एचपी आप देखें बहुत ज्यादा कम। सीएस उन्होंने शुरुआत अच्छी करी और इसी के साथ XYZ उनको भी डाउन किया जाएगा। और अब एक IGL मात्र अकेले खिलाड़ी तो बचेंगे अपनी टीम से, देखना पड़ेगा वो कुछ कर पाएंगे या नहीं। जय नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट गॉड लाइक सही समय पे सही पोजीशन उनके पास है, अगर वो चाहें तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं, बट उनके पास केवल तीन प्लेयर्स बचे हैं। पावर गाड़ी लेके स्लैमिंग करते हुए, नेड उनके हाथ में, ये नेड सही जगह जाएगा तो काफी वैल्यू निकालेगा। ये नेड जाएगा भी सही, बट वो कहां चले गए, ओपन में गए, एक एचपी वो बचे हैं सामने से, उनके पास टीपीएस का प्रहार जरूर होगा, बट एक नेड आएगा वो भी डाउन, उनके साथी भी डाउन। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या होगा। ये नेड बहुत कुछ बता कर गया, बट जोनाथन इज देयर, ही टेक्स वन डाउन, ही टेक्स टू डाउन। सामने एक और प्लेयर, तीसरे प्लेयर को लेके मौका, बट स्मोक से वो रैंडम स्प्रेज, वो रैंडम शॉट्स एंड गॉड लाइक तेरवे पायदान पे वो होंगे इस लॉबी से बाहर। पैरा BTC वह तीन फ्रैग्स लेके गए और हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि सार्थक, पैरा BTC, रणदीप, हर एक खिलाड़ी वो काबिलियत रखता है कि सामने वो किसी को भी एलिमिनेट कर पाए एक फाइट से। वो बस फारूक हुए ही थे, बट अब दूसरे फाइट से उनको जो फाइट है वो लेनी पड़ेगी। बट देखना ये कि अब ये CS की स्क्वाड कितना दूर तक वो जा सकते हैं, फाइनली उन्होंने की और अब प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम भी वो खेल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज लगी कि बेसिक उनको पता है, उन्होंने स्मोक कर दिया था, जैसे प्लेयर वहां पे नॉक थे वो स्मोक किए, दैट इज द रीजन के कॉमेट डिवाई के जो नेट्स थे वो खिड़की के अंदर नहीं आ पाए, उनको खिड़की मिली ही नहीं। अच्छे खासे फिनिशेस निकाले गए पैरा BTC, एक और ग्रेनेड आता हुआ और मुझे लगता है कॉमेट लिवाई का वो आखिरी खिलाड़ी निंजा बचे रहेंगे अपनी टीम से। एसपी ऑलरेडी उनकी बहुत ज्यादा कम, डीबीएस का इस्तेमाल और एक और टीम का सफर समाप्त किया गया CS ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। अपग्रेड को वो गवा चुके हैं। गॉड्स रेन की बात की जाए, फ्लैंक उनका बहुत अच्छा टीम वर्क देखने को मिलता, बैक नेट्स आएंगे प्लेज। ओ बॉय, गॉड्स रेन इज बॉम्बार्डिंग CS एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आखिरी प्लेयर बचते हैं, एक झटके में गॉड्स रेन आई और अभी तक की लॉबी की बेस्ट टीम को उन्होंने भगा दिया यहाँ से। सिर्फ सेवी यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जीक्यूटर्स वो भी अपना सकते हैं अगर कोई अटैक करे तो। मैं देख रहा हूँ IM का भी एक प्लेयर बचा हुआ है जो अपनी टीम को टॉप 5 में लाया, बट CS जब एक प्लेयर जहाँ पे सभी बचे हुए हैं उनके पास 12 फ्रैग्स हैं, नॉट फॉर लॉन्ग। IM के जो आखिरी प्लेयर थे, चेक के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, आपने पूरी लॉबी में कैर बर पाया है, बट अब हमारी बारी है वो आखिरी फ्रैग निकालने की। स्टैंडिंग कब आएगी और कब हम देख पाएंगे कि दो मुकाबले के बाद अब कौन सी टीम कितना ऊपर, कौन सी टीम कितना नीचे, कि जैसे जैसे मैचेस समाप्त हो रहे हैं बल्कि धड़कने थोड़ी तेज होती हुई इन सारी टीम्स की, इन सारे खिलाड़ियों की, क्योंकि पता है मात्र 4 वो टीम होंगी जो राउंड 4 का रास्ता तय करेंगी। इतना आसान नहीं है वहां पे ग्रेटनेस को पाना। गॉड्स रेन, निंजा, दो फ्राग इनके पास, बट मैं बहुत खुश हूँ ग्रेट के लिए। टीम ग्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, दो प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, रश आएगा निंजा जोड़ के ऊपर, हील करने का मौका उनको दिया नहीं जाएगा, बट पीछे से कवर आया, बड़ी जल्दबाजी कर दी एग्जीक्यूटर्स के प्लेयर्स ने। उनको पता था एक प्लेयर उनको मिल चुका है जो थोड़ी सी वल्नरेबल पोजीशन पे है, बट गॉड्स रेन बैक टू बैक प्लेयर्स को नॉक करे गए। स्टार फर्स्ट एड हार्डी के पास है, एक 1v4 इतना आसान होगा नहीं। रेट का भी एक प्लेयर डाउन है, गॉड्स रेन तो हल्ला बोल रहे हैं, जहां प्लेयर्स देख रहे हैं वहां पे प्रहार किया जा रहा है। पहले मैच में चिकन मिला नहीं था, सेकंड मैच में वो वसूली पूरी कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ठीक है पहले मैच में नहीं मिला, सेकंड में तो लेके जाएंगे। सेकंड मैच में तो जबड़ों से उन्होंने वो चिकन छीना है। देखना यह कि अब ग्रेट का वो आखिरी खिलाड़ी कितना ग्रेट हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। चलिए ज्यादा नहीं, 15 फिनिशेस के साथ गॉड्स रेन उन्होंने निकाला विनर विनर चिकन डिनर।